हेलो दोस्तों। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है और कुछ आप लोगों को पता भी होगा और कुछ नहीं भी पता हो सकता है इस वीडियो के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है वन प्लस सेवन के बारे में। वन प्लस सेवन में जितने भी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ और बहुत ही मुझे फीचर्स अच्छा लगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 मंथ से और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को कुछ मालूम भी हो सकता है, कुछ नहीं भी मालूम हो सकता। तो वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी से और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना। तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, मुझे इसमें जो सबसे अच्छा फीचर्स मुझे लगा, सो गाइस ये है कि आप जब डिस्प्ले में आप ऐसे पकड़ के रखोगे उसके बाद एक फीचर्स आने वाला, वो है होम सेटिंग में। जब आप जाओगे होम सेटिंग में जब जाओगे तो उसके बाद आप देख सकते हो एक बार डबल टैप टू लॉक, ये आपका ऑफ रहेगा। इसको जब आप ऑन कर दोगे इससे क्या होगा कि आप जब भी मतलब डिस्प्ले ऑन है, मतलब कोई पकड़ रहा है आपका मोबाइल लेने जा रहा है, तो जब डबल टैप कर दो बस मोबाइल लॉक हो चुका है। सो गाइस, ये फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से मुझे मतलब बहुत ही पसंद आया इसका ये फीचर्स। सो गाइस, उसके बाद इसका जो मतलब और दूसरा फीचर्स जो गाइस आता है वो है इसका, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले पे, आप जब जाओगे डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको जो मतलब इसका जो डिस्प्ले में मतलब जो भी है कलर, आप उसको मतलब एडवांस लेवल तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो गाइस। इस पर पहले जो मतलब इससे रहता है वो है नेचुरल पे आपका रह जाता है। आप जब एडवांस लेवल पे आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपका एमुलेट गेमेट इसको सिलेक्ट कर सकते हो गमोट, और उसके बाद आपका जो भी वार्म चाहिए ज़्यादा वो वार्म कर सकते हो या आप कूल में ले सकते हो। तो मैं मीडियम पे रखता हूँ हमेशा, मुझे अच्छा लगता है। कलर क्वालिटी ना बहुत उभर के आता है और कलर आपको दिखने से बहुत ही पंची लगता है गाइस। और इसका जो मतलब तीसरा फीचर्स मुझे अच्छा लगा वो है इसका, आपका जो ऐसा वाइब्रेशन कलर इफेक्ट, इसको जब आप ऑन कर दोगे मतलब जब भी आप वीडियो देखोगे इसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख ही रहे हो कि इस कलर चेंज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका कलर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। इसका भी मुझे बड़ा ही अच्छा लगा इसका जो ये। सो गाइस, वीडियो देखने से आपका बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। और मुझे इसका जो 4 नंबर फीचर्स मुझे बड़ा पसंद आया वो है इसका नॉच डिस्प्ले। गाइस, इसमें आप नॉच को हाइड कर सकते हैं गाइस, और नॉच को हाइड करने से भी नॉच मतलब नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल ही आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपका कोई नॉच ही नहीं है इस डिस्प्ले में। क्योंकि एमुलेट है, क्योंकि एमुलेट पैनल में आपका कलर ब्लैक ब्लैक ही दिखता है, क्योंकि वो ब्लैक पार्ट में आपका लाइट ही नहीं चलता। सो LCD से एमुलेट बहुत ही अच्छा होता है और ये सुपर एमुलेट है, इसलिए गाइस बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स 5 नंबर की तरफ। तो गाइस, हमारा जो 5 नंबर फीचर्स है आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। आपके सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज का मौका मिलता है, आप कस्टमाइज पे जाओ। अगर आपका जो ये मेरा डार्क थीम आप देख रहे हो, आपको भी डार्क थीम चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो प्रीसेट थीम पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपका नीचे वाला जो ऑप्शन है क्लिक कर देना है यहाँ पे। सो गाइस, ये पहले से आपका क्या होगा कि पहले से ऊपर में आपको क्लिक रहेगा, ठीक है। ऊपर आपका रहेगा 1st नंबर पे, आपको 3rd नंबर पे, 3 नंबर को आपको सिलेक्ट करना है तो डार्क थीम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है गाइस। और उसके बाद आप मुझे जो बड़ा अच्छा लगता है इसका वो है 6th नंबर पॉइंट, और वो है इसका क्लॉक स्टाइल। आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, आपका मतलब जो भी आपको पसंद है वैसा आप क्लॉक स्टाइल यहाँ पे ले सकते हो आपका जो भी पसंद है। तो मुझे यहाँ पे नंबर का भी है, आपका मतलब घड़ी जैसे आपका घर में बजता है घड़ी तो वैसा है, तो मुझे घड़ी का बहुत ही पसंद है इसी में रहेगा। और गाइस, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जो 7 नंबर मतलब 7 नंबर फीचर्स है वो है इसका फिंगरप्रिंट। आप फिंगरप्रिंट को मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट आपका ऐसा आ जाएगा, आप जब फिंगरप्रिंट प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा जलेगा। तो आपका यहाँ पे 3-4 मोडी मिलता है, तो मुझे ये वाला भी अच्छा लगता है, ये वाला भी अच्छा, दोनों में से मुझे कोई भी अच्छा लगता है, बट मैं दोनों में से कहीं एक ही सिलेक्ट करके रखता हूँ यहाँ पे। सो बस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जो दूसरी बात है, इसका जो मतलब आपका जो यहाँ पे आपका होम ये जो मतलब ये जो आइकन नोटिफिकेशन बार, ठीक है, यहाँ पे आप जब इसको मॉडिफाई करने जाओगे मतलब यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो, आपका स्क्वायर ले सकते हो, एंगल ले सकते हो, मतलब जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पे राउंड ही पसंद आता, तो मैं राउंड करके यहाँ पे हमेशा रखता हूँ गाइस। और इसका दूसरी बात है आपका जो मतलब आइकन पर, ठीक है, यहाँ पे जब जाओगे आपका जो भी ऐप का आइकन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा राउंड वाला वन प्लस का जो है ये राउंड है, एक आपका राउंड रहेगा सब कुछ मतलब गोल गोल, उसके बाद आपको स्क्वायर, यहाँ पे 3 ही फीचर्स दिया गया। आपको अगर डाउनलोड करना तो मोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, मुझे वन प्लस का ही पसंद आता है जो इसका ओरिजिनल है, ठीक है गाइस। तो मुझे ओरिजिनल ही पसंद आता है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही पसंद आता है ये फीचर्स। और उसके बाद हम बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको साउंड में आपको दिया है डॉल्बी एटमोस, तो इसका मतलब साउंड आप जब इस मोबाइल को यूज करोगे, अगर गाइस आपके पास अगर ये मोबाइल है आपका जो इसका स्टीरियो स्पीकर है, इससे जब आप सॉन्ग सुनोगे ना आपका कोई दूसरा मोबाइल अच्छा या दूसरा म्यूजिक सेट ना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट है और बेस और म्यूजिक क्या आता है भाई, क्या बताओ। जब आप मोबाइल को ऐसा टेढ़ा कर लोगे, टेढ़ा करके सुनोगे गाइस, तो दोनों तरफ से जो साउंड आता है मीठा मीठा, बहुत ही मीठा साउंड आता है। और इसमें आपको मॉडिफाई का भी मौका मिलता है,
आपका डॉल्बी एटमॉस में है तो प्री इंस्टॉल्ड है, बट फिर भी आपको मौका मिलता है फिल्म या डायनामिक आप हमें से कोई भी सिलेक्ट करके, आप पास जो भी म्यूज़िक मोड अच्छा लगे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे म्यूज़िक का ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही आवाज़ बहुत ही मीठा आता है गाइस यहाँ से। सो गाइस ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बढ़ते हैं इसका आपको नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, और नेक्स्ट फीचर्स जो है इसका लाइव कैप्शन। इसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड आपका 40 MB का रहेगा, आप डाउनलोड जब इसको कर लोगे इसको ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा आपका जो भी आप जहाँ पे भी स्टेटस या आप न्यूज़ देख रहे हो तो यहाँ पे लाइव कैप्शन ऑटोमेटिकली मतलब उठने लगेगा। कोई अगर बंदा बात भी कर रहा है फ़ोन पर या म्यूज़िक पर बात भी कर रहा है, वो बात भी यहाँ पे कैप्शन के थ्रू उठेगा। मतलब इसको जब आप इनेबल करोगे आपका उठ जाएगा। तो एक कैप्शन मोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद आपको बोलते हैं एयरफोन मोड। आपका एयरफोन मोड जो भी है मतलब आपका यहाँ पे तो आपको जो हेडफोन जैक तो नहीं मिलता, आपको ब्लूटूथ स्पीकर से आपको चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ब्लूटूथ स्पीकर जब आप इस पर डालोगे तो यहाँ पे कुछ मोड ऑन हो जाता है। आप यहाँ पे ऑटो प्ले कर सकते हो, स्मार्ट कॉल फॉर ब्लूटूथ ये ऑन आंसर कर सकते हो आप लोग, और स्पीकर कॉल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। सो गाइस बहुत ही मतलब मज़ेदार होने वाला आपको मॉडिफाई। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो नेक्स्ट फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे, यहाँ पे जब आप जाओगे जाने के बाद आपका जो मिलता है ऐप लॉकर, आपको बस किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल ये सब नहीं मिलता क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड पे आपको नहीं मिलता गाइस। हमको हमेशा से शिकायत रही आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है प्ले स्टोर से। जब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे तो गाइस आपका ऐड आएगा, आपका जो ऐप है अगर कोई अनइंस्टॉल कर देता है तो आपका सारे लॉक हट जाता है आपके ऐप से। सो गाइस ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आप ऐप लॉकर को जब एनेबल करोगे गाइस पासवर्ड देके, तो गाइस मतलब क्या ही बताओ मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ऐप लॉक आप कर सकते हो और इसमें कोई भी ऐड नहीं आता, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे क्विक लंच पे आप जाओगे, यहाँ पे फिंगरप्रिंट, इसको मैं ये हमेशा बंद ही रहता है, मैंने ऑन करके रखा था। तो आप अगर ऑन कर देते हो इसे, ऑन करने के बाद आपका क्या होगा, आप जब इसे काट दोगे तो मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद आप जब फिंगरप्रिंट को ऐसे प्रेस करके ऐसे पकड़ के रखो तो यहाँ पे वॉयस सर्च, म्यूज़िक, नोट और साथ में आपका न्यू इवेंट भी आ जाता है, सब कुछ आप यहाँ से जा सकते हो, एनी भी कहीं भी आप जा सकते हो। और इसका जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका फिंगरप्रिंट गाइस, मैंने सोचा नहीं था, मैंने हमेशा से मुझे जितना पता था मैंने नेट से पता कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट थोड़ा स्लो होता है, बट वन प्लस 7 जब से मैं यूज करूँ वह स्लो क्या चीज़ है मुझे पता ही नहीं। जब भी मैं मतलब लॉक खोलता हूँ तो 1 सेकंड से बड़ा ही कम समय में खोल देता है लॉक। मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में इतना फास्ट मैंने आज नहीं देखा, बट बहुत ही फास्ट है गाइस। और इसका फेस लॉक तो क्या ही बताऊँ, मैं एक बार करके दिखाता हूँ यहाँ से आप देख सकते हो। मतलब अगर मतलब मैं तो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा सा मतलब, तो मैं यहाँ पे जब मेरे आँखों को देता हूँ यहाँ से तो यहाँ से जब मैं ऐसे देखो खुल जाता है, मतलब लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखाता। मतलब इसका जो मतलब जो भी मतलब फास्ट जो मतलब यहाँ से, तो मैं मोबाइल को थोड़ा ऐसा लेता तो जब भी मैं बात करता तो आप देख सकते हो मतलब लॉक स्क्रीन क्या है वो नहीं दिखाता, जैसे कि कोई लॉक ही नहीं है मेरे मोबाइल पे। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका जो ये फीचर्स। और दूसरा आपको मैं फीचर्स बता दूँ वो है आपका कैमरा में। जब आप कैमरा पे यहाँ पे जाओगे तो कैमरा पे जब जाओगे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे पे जाना है आपका सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद आपका मैंने जितना सारा ऑप्शन यहाँ पे ऑन करके रखा आपको भी ऐसे ऑन कर देना। ऑन करने से क्या होगा आप मतलब बहुत ही अच्छे से कैमरा को यूज़ करोगे। और कस्टमाइज मोड पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब कुछ यहाँ पे लेके रखा है, तो आप यहाँ पे भी ले लेना, क्योंकि लेने से क्या होगा आपका जब आप इस सब को ऑप्शन को ऑन कर दोगे, वो ऑन करने के बाद आप नीचे देख सकते हो आपका पोर्ट्रेट मोड आ जाएगा, नाइट स्कीप आ जाएगा, प्रो मोड आ जाएगा। और अगर आप प्रो मोड से पिक्चर खींचते हो यानी 48 मेगापिक्सल से पिक्चर ऐसा आता है क्या बताओ, मतलब DSLR की जैसे पिक्चर आता है, और पिक्चर का मतलब रेजोल्यूशन और क्या ही बताओ बहुत ही अच्छा होता है। मतलब से अगर आप कोई पिक्चर क्लिक करते हो गाइस, और उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे स्लो मोशन इसका क्या ही बताओ बहुत ही अच्छा है। ये आपका 1080p पे आपको शूट करता है, 240 FPS पे और 720p पे भी है, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1080p पे आप शूट करो हमेशा। और यहाँ पे प्रोमो मोड आपको पता ही है बहुत ही मतलब यूनिक है, तो आप यहाँ से कुछ भी मतलब फोटो क्लिक कर सकते हो। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए और मुझे जहाँ तक पता है इतने सारे फीचर्स, और साथ में और इसका भी मुझे और एक फीचर्स पर। तो गाइस ये फीचर्स आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन पे। तो वाइब्रेशन पे आप जब जाओगे नीचे, आप जब जाओगे तो दिख सकते हो टच वाइब्रेशन, तो मैंने ऑन करके रखा है। और यहाँ पे जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका वाइब्रेशन आपको मतलब मूड सेलेक्ट करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप लाइट ले सकते हो, वाइब्रेशन मतलब लाइटली करेगा, और उसके बाद मीडियमली, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही हार्डली करेगा। तो वाइब्रेशन मोड भी यहाँ पे मॉडिफाई किया गया, 3 मोड दिया गया है, आप 3 मोड से एनी मोड सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी मोड पसंद है। वाइब्रेशन बहुत ही अच्छे से करता है, और हिप का जो हैप्टिक मतलब फील है वो आपको बहुत ही बहुत ही अच्छा देने वाला है इसमें। इन्होंने दिया है वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। मतलब बहुत सारे आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो गाइस। और साथ में मुझे और एक मतलब जो है इसका नेविगेशन, मतलब आप नेविगेशन बार फुल्ली चेंज कर सकते हो गाइस। यहाँ पे पहले मिल गया आपको नेविगेशन गैजेट्स, तो यहाँ पे जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मॉडिफाई करके रखा है, यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने का मतलब 3 आपको मिल जाता है 3 बटन। तो आप यहाँ से 3 से जो भी सिलेक्ट करते हो, मैं नीचे वाला सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो नीचे वाला सिलेक्ट करने से क्या होगा, आप जब नीचे सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे आपको
ट्रायल दिया जाता है कि आपको कैसे करना। आप जब ऐसे करोगे मतलब नीचे आपका कुछ नहीं रहता, बस ऐसे आपको स्वैप करना है, आपका कट जाता है कोई भी, मतलब आपको अगर मीडियम लाना तो ऐसे आपको खींचना है तो आ जाता है, ऐसे खींच के आपको मिडिल पे लाना है तो आ जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब फीचर्स। तो इसमें बहुत सारी फीचर्स दिए गए, और भी फीचर्स हैं, मुझे अगर कुछ छूट गया तो मुझे माफ़ करना, और आपको पता है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। और वन प्लस सेवन का जो मेरा जर्नी है, 4 मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका जर्नी। और इसमें जो स्पीड अप है क्या बताऊँ, मतलब झकास बोल रहे एकदम, मैं बता सकता हूँ इसका फीचर्स आपको बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। एंड्रॉयड की मतलब फर्स्ट लेवल फ़ोन आप अगर कोई पकड़ सकते हो तो वो है वन प्लस के मॉडल जो है वन प्लस सेवन। मुझे बहुत ही स्पीड अप इसमें मिला, और पबजी में अगर खेलता हूँ, पबजी अगर मैं इसमें खेलता हूँ तो मुझे हाई एंड ग्राफिक्स में मुझे पबजी खेलने का मौका मिलता है। और गाइस इसमें जो मेरा पबजी वाला वीडियो है उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। पबजी गेमिंग पर बहुत ही स्मूथली चल जाता है इसमें, और इसका अनबॉक्सिंग भी है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, सो गाइस जाके वॉच कर लेना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा ना गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।